इस कविता में एक लड़की है चंपा नाम की, जो बिल्कुल ठेठ अनपढ़ है। वह पशु चराती है और उसे काले अक्षरों में छिपे स्वरों पर हमेशा ही आश्चर्य होता है। जब लेखक कुछ लिखता है तो वह उसकी कलम चुरा लेती है और कभी कागज गायब कर देती है। वह लेखक को दिन भर कागज गोदने रहने पर शिकायत करती रहती है। लेखक उसे समझाता है कि पढ़ना लिखना सीख लो। गांधी बाबा भी यही चाहते हैं, परंतु चंपा पढ़ने लिखने से मना कर देती है। लेखक उसे समझाता है कि जब उसकी शादी हो जाएगी और उसका बालम कलकत्ता चला जाएगा तो वह पत्र कैसे लिखेगी। इस पर वह जवाब देती है कि आग लगे कलकत्ता को, वह तो अपने बालम को कलकत्ता नहीं जाने देगी, अपने पास ही रखेगी। शुरू करते हैं कविता। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। तात्पर्य है कि चंपा नामक ग्वाल वाला अक्षरों का महत्व नहीं जानती है, उसके लिए ये काले काले अक्षर धब्बों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। लेखक जब कोई पुस्तक पढ़ने लगता है तो चंपा उसके पास आ जाती है और खड़ी होकर के सुनने लगती है कि वह पुस्तक पढ़कर क्या कह रहा है। उसे इस बात की बहुत हैरानी होती है कि काले अक्षरों में से इतने सारे स्वर कैसे निकलते हैं और वह अक्षरों का महत्व नहीं समझ पाती है। अन्य पंक्तियों में कवि कहता है, चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज़ गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। यह चंपा सुंदर नामक ग्वाले की लड़की है और वह एक ग्वाला है, उसके पास गायें भैंसे हैं। चंपा उन गायें भैंस को चराने का काम करती है। उसका स्वभाव अच्छा है लेकिन चंचल और शरारती भी है, कभी कभी वह बहुत अधिक शरारत करती है और इसी वजह से लेखक की कलम चुरा कर छुपा देती है। जब लेखक बहुत परेशान हो जाता है तो वह कलम को ढूंढ लेता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि उसका लिखने के लिए कागज ही नहीं है। चंपा उन कागजों को छिपा देती है। इस प्रकार चंपा अपनी नटखट शरारतों से लेखक को बहुत परेशान किया करती है। अन्य पंक्तियों में कवि कहता है, चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है, सबजन पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा लेखक को शिकायत के स्वर में कहती है कि तुम दिन भर इन कागजों पर क्या लिखा पढ़ी करते हो, क्या यह काम बहुत अच्छा है, मैं तो ऐसा नहीं मानती। इस पर लेखक हंस देता है, वह चंपा की अज्ञानता पर हंसता है और चंपा चुप हो जाती है, मानो उसकी बात अपने निशाने पर ठीक से लगी हो। एक दिन चंपा लेखक के पास आई, लेखक ने कहा कि वह भी पढ़ना लिखना सीख ले, यह उसे कठिनाई के समय में बड़ा काम आएगा। उसने गांधी बाबा का हवाला देते हुए कहा कि उनको पढ़ना लिखना बहुत पसंद है। चंपा सरल स्वाभाविकता से लेखक को उत्तर देती है, मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे मनुष्य हैं, फिर वे पढ़ने लिखने की बात क्यों करते हैं, अगर करते हैं तो वे अच्छे कैसे हैं, मैं पढ़ाई को अच्छा नहीं मानती, इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगी। अगली पंक्तियों में कवि कहता है, चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है, कभी कभी कलम चुरा लाती है, कभी कभी कलम चुरा लाती है। जैसे तैसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, पाता हूँ कागज़ गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ।
चंपा कहती है, तुम कागज ही खोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी न करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम के संग खेलूँगी, कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा तुम गोने जाओगी, कुछ दिन बालम संग रह जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। लेखक चंपा को कहता है कि पढ़ना लिखना अच्छी बात है, जब तुम्हारी शादी होगी तुम ससुराल जाओगी, तब कुछ दिनों तक तो तुम्हारा पति साथ रहेगा, फिर वह कलकत्ता चला जाएगा, तुम जानती हो कि कलकत्ता बहुत दूर है, तो अपने पति को संदेश कैसे भेजोगी और उसके भेजे हुए पत्रों को कैसे पढ़ोगी, इसलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ना लिखना अच्छी बात है। चंपा लेखक की बातों को झूठा बताते हुए कहती है, हाय राम, तुम कितने झूठे हो, पढ़ लिख कर भी तुम मेरे साथ छल कपट की बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी, तुमने विवाह का नाम लिया है तो मैं विवाह करूँ ही नहीं, और यदि मेरा विवाह हो गया तो मैं अपने पति को अपने पास रखूँगी, उसे कलकत्ता नहीं जाने दूँगी, कलकत्ता पर वज्र गिरे उसका सत्यानाश हो।